हरियाणा में कल पंचायती चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें पंच और सरपंच चुने जाएंगे। हरियाणा के अंबाला जिले की 400 गांव की चौधर पाने के लिए चुनावी दंगल में उतरे 3082 उम्मीदवारों के बीच शनिवार को फाइनल मुकाबला है। प्रत्याशी वोटर को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। कल 6 ब्लॉक के 400 गांव में 599 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया होगी, जिसमें ग्रामीण एरिया के 4,64,000 वोटर प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। बता दें कि 400 ग्राम पंचायतों में से 21 में सर्वसम्मति से सरकार चुनी जा चुकी है, बाकी बची ग्राम पंचायतों में 1,282 सरपंच पद प्रत्याशी और पंच पद के लिए 1,800 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शनिवार देर शाम तक सभी विजेता प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। खास बात यह है कि पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी चुनावी दंगल में उतरी हुई है। वहीं अंबाला जिले में 25 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील हैं। सोनीपत में 318 पंचायतों में होगा मतदान। सोनीपत जिले में सरपंच और पंच पद के चुनाव को लेकर पुलिस और पंचायत अधिकारियों ने अपनी सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। सोनीपत में 318 पंचायतों में चुनाव होगा, जबकि जुआ गांव में ग्रामीणों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है और जौली गांव में चुनाव नहीं होगा। इस बार आयोजित होने वाले पंचायती चुनाव में सरपंच पद का चुनाव ईवीएम मशीनों से और पंच पद के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोनीपत से सरपंच पद के लिए 1,476 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें 685 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। वहीं पंच पद के लिए 2,986 उम्मीदवार मैदान में हैं। सोनीपत में पंचायती चुनाव में कुल 975 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 168 संवेदनशील और 188 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। बात अगर रेवाड़ी जिले की करें तो जिले में 365 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 1,637 और 3,233 पंच पद के लिए 4,489 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जिले के 5,59,805 मतदाता करेंगे। वहीं पंचायत चुनाव के दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।